Good morning, my dear students. I am your computer teacher Tuba Amir. Today is my 15th lecture of class 4. Student, take out your computer book. And आज हम पढ़ने लगे हैं यूनिट नंबर 3, दैट इज़ कंप्यूटर एक्सेसरीज. अब कंप्यूटर एक्सेसरीज़ के बारे में मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि एक्सेसरीज़ क्या होती हैं. बेसिकली ये हार्डवेयर डिवाइसेस होती हैं जो कंप्यूटर के साथ अटैच की जाती हैं, जिसे हम एक्सटर्नल हार्डवेयर डिवाइसेस भी कहते हैं. ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉम्पैक्ट डिस्क. कॉम्पैक्ट डिस्क क्या होती है? इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है CD. जैसे कि आपने देखी भी होंगी कि कॉम्पैक्ट डिस्क क्या होती हैं, कंप्यूटर में यूज़ भी की होंगी, लैपटॉप में भी यूज़ की होंगी. ठीक है, और इसका बेसिकली फंक्शन क्या होता है, इसमें कुछ इसमें गेम्स इंस्टॉल होती हैं जिसे हम कंप्यूटर में इंस्टॉल करके खेलते हैं, कुछ म्यूज़िक होते हैं. ठीक है, इस तरह से हम इसे यूज़ करते हैं. इसके बारे में पढ़ते हैं. व्हाट इज़ कॉम्पैक्ट डिस्क? कॉम्पैक्ट डिस्क और CD इज़ एन ऑप्टिकल डिस्क. ठीक है, जो कॉम्पैक्ट डिस्क है जिसे हम CD भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ये ऑप्टिकल डिस्क होती है विच इज़ यूज्ड टू स्टोर डाटा, जो डाटा स्टोर करने के लिए यूज़ की जाती हैं. इट इज़ अ राउंड एंड पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस. ये इसकी जो शेप होती है वो राउंड होती है, और पोर्टेबल मीन्स के ऐसी स्टोरेज डिवाइस जिसे हम इजीली कैरी कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा सकते हैं. ठीक है, कॉम्पैक्ट डिस्क इज़ मेनली यूज्ड फॉर सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन, मूवीज, सॉन्ग्स एंड गेम्स. कैपेसिटी ऑफ अ CD इज़ मेजर्ड इन मेगाबाइट्स MB. कॉम्पैक्ट डिस्क जो होती हैं बेसिकली क्या होती हैं, किस लिए यूज़ होती हैं? ये सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज़ की जा सकती हैं. अगर हमने कोई विंडो इंस्टॉल करनी है तब भी हम CD के ज़रिए कर सकते हैं. ठीक है, मूवीज़ देख सकते हैं, सॉन्ग सुन सकते हैं CDs की वजह से, और गेम भी खेल सकते हैं. ठीक है, और इसके अलावा जो CD में स्टोरिंग डाटा जो होता है मेगाबाइट्स में होता है, MBs में होता है. कैपेसिटी जो होती है इसकी MBs में होती है. इसमें हम MBs में जितना भी डाटा सेव कर सकते हैं वो कर लेते हैं, ज़्यादा इसमें डाटा सेव नहीं होता. अ कंप्यूटर मस्ट हैव अ CD-ROM इन ऑर्डर टू यूज़ अ CD. अब CD को यूज़ करने के लिए कंप्यूटर में एक CD-ROM का होना बहुत ज़रूरी है. अगर CD-ROM ना होगा तो हम से CD को भी यूज़ नहीं कर सकते. ठीक है, क्या शेप होती है इसकी? राउंड शेप होती है कॉम्पैक्ट डिस्क की. अब हम पढ़ेंगे डिजिटल वीडियो डिस्क. अब ये डिजिटल वीडियो डिस्क क्या है इसके बारे में पढ़ते हैं. डिजिटल वीडियो डिस्क कॉमनली नोन एज DVDs. अब डिजिटल वीडियो डिस्क को हम आसान लफ्ज़ों में, शॉर्ट फॉर्म में भी DVDs भी कह सकते हैं, जैसे कि हमें पिक्चर में भी नज़र आ रही है. आर सिमिलर टू CDs. ये CDs की तरह होती हैं. ठीक है, जो शेप होती है इसकी CD की तरह होती है. दे कैन स्टोर डाटा. इसमें भी हम डाटा स्टोर कर सकते हैं. द ओनली डिफरेंस बिटवीन CDs एंड DVDs इज़ दैट DVDs कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा एज़ कम्पेयर टू CDs. अब CD में और DVD में सिर्फ यही फ़र्क है कि DVD में ज़्यादा हम डाटा स्टोर कर सकते हैं, ज़्यादा इसमें हम अपना कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई पिक्चर, कोई भी हम जितना भी स्टोरिंग डाटा जो है इसमें कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू CD. CD में कम डाटा स्टोर होता है, DVD में ज़्यादा डाटा स्टोर होता है. ठीक है, स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ DVDs इज़ मेजर्ड इन GB. अब जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि जो CD में होता है वो जैसे कि अभी हमने देखा है मेगाबाइट्स में होता है जो स्टोरिंग डाटा होता है, जबकि DVD में गीगाबाइट्स में हम इजीली GBs में अपना डाटा स्टोर कर सकते हैं. ठीक है, इसकी शेप कैसी होती है? CD की तरह ही होती है. अगर लैपटॉप में DVD-ROM होगा तभी ये DVD इजीली चल सकती है. अगर DVD-ROM नहीं होगा तो इसे हम कोई भी लैपटॉप में नहीं यूज़ कर सकते. ठीक है, अब आपका क्या है होमवर्क टास्क? शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हैं जिसे आपने अच्छे तरीके से लर्न करके अपने बुकलेट्स पे राइट करना है. क्वेश्चन नंबर 6 इज़ व्हाट इज़ अ स्कैनर? स्कैनर क्या होता है? जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है कि स्कैनर, जिसे हम इमेजेस के पिक्चर लेके कंप्यूटर में सेंड करते हैं, जिसमें हम एडिटिंग कर सकते हैं कंप्यूटर से और कुछ भी नेक्स्ट टाइम के लिए यूज़ कर सकते हैं. ठीक है,
आंसर इज़ स्कैनर इज़ एन इनपुट डिवाइस। जो स्कैनर है वो भी एक इनपुट डिवाइस है। इट कैन स्कैन फोटोज, प्रिंटेड टेक्स्ट, हैंड राइटिंग और एनी अदर ऑब्जेक्ट। जो स्कैनर है वो इजीली स्कैन करता है किसको, फोटोज़ को, प्रिंटेड टेक्स्ट जो पेपर होते हैं जिस पे राइट किया हुआ टेक्स्ट होता है उसको, जो प्रिंट हुए हुए होते हैं उसको भी इजीली स्कैन कर सकता है। जिस तरह आपका एक पेपर है, ठीक है, जो एग्ज़ाम्स होते हैं अगर हम उसको स्कैन करना चाहें तो उसे भी हम स्कैन कर सकते हैं, ठीक है। हैंड राइटिंग, जो आपकी हैंड राइटिंग होती है उसे भी स्कैन करता है और काफ़ी चीज़ों को ईज़िली ये स्कैन कर सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 इज़ व्हाट इज़ अ माइक्रोफोन। अब माइक्रोफोन क्या है, आंसर है अ माइक्रोफोन इज़ एन इनपुट डिवाइस। जो माइक्रोफोन है वो इनपुट डिवाइस है। जिस तरह हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था माइक्रोफोन क्या होते हैं, ठीक है। इट इज़ यूज टू रिकॉर्ड साउंड्स, जो साउंड्स को रिकॉर्ड करने के लिए यूज़ किए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कीबोर्ड। आपने क्या करना है, एक शॉर्ट नोट लिखना है कीबोर्ड पे, ठीक है, कीबोर्ड के बारे में बताना है। आंसर है अ कीबोर्ड इज़ एन इनपुट डिवाइस। जो कीबोर्ड है वो भी इनपुट डिवाइस है क्योंकि इससे जितना भी डाटा होता है हम इजीली कंप्यूटर में एंटर कर सकते हैं, ठीक है। विच इज़ यूज टू एंटर टेक्स्ट एंड अदर कमांड्स टू अ कंप्यूटर, जिसकी वजह से हम टेक्स्ट एंटर करते हैं, चाहे वो नंबर्स में हो चाहे वो अल्फ़ाबेट में हो, ठीक है। उसे हम कीबोर्ड को यूज़ करते हुए कंप्यूटर में एंटर करते हैं, और कोई भी कमांड अगर हमने देनी है विदाउट माउस अगर हमने कमांड देनी है तब भी कीबोर्ड को यूज़ करते हुए हम कमांड भी दे सकते हैं। अब आपने क्या करना है, इनको लर्न करके बुकलेट पे राइट करना है, ठीक है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।